सिटी पुलिस कमिश्नर आईपीएस अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट मुनाकिद करते हुए सिकंदराबाद पॉट मार्केट में वाकई ज्वेलरी शॉप में पेश आए चोरी के संगीन वारदात में शामिल एक सारह को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मसरूका माल बरामद कर लिया। कहा पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कमिश्नर दफ्तर में किया और इससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी की शब सिकंदराबाद पॉट मार्केट में वाकई अनिल जैन ज्वेलरी शॉप में नामालूम अफराद ने चोरी की थी। इस सिलसिले में टास्क फोर्स पुलिस ने केस की तहकीकात का आगाज करते हुए ये पता लगाया कि संगीन वारदात को अंजाम देने वाले मोहम्मद आदिल साकिन बंसीलाल पेट जो जेएचएमसी के कचरे की गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर भी है उन्होंने मस्कुरा ज्वेलरी शॉप में दाखिल होकर चोरी की वारदात अंजाम दी। अंजनी कुमार आईपीएस ने कहा कि आदिल पहले भी ज्वेलरी शॉप के मालिक के पास 3 साल तक मुलाजमत करने के बाद नौकरी को छोड़ दिया था जिसके नतीजे में उस ज्वेलरी शॉप के जिम्मे में उसे सारी तफसीलात मालूम थी। अंजनी कुमार ने कहा है कि गिरफ्तार मुजरिम ने एक फिल्मी अंदाज में पाइपों के जरिए तीसरी मंजिल पर वाकई ज्वेलरी शॉप में दाखिल होकर खिड़की के जरिए ये चोरी की वारदात अंजाम दी।